हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी मूवी, जो कि स्त्री 2 के बाद अगर मानी जा रही थी तो वो है फ्रेंड्स भूल भुलैया 3। तो भाई आज इस मूवी के रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि भाई क्लैश हुई है दिवाली के मौके पर सिंघम अगेन के साथ। लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा। मूवी को रेटिंग्स दूंगा यार 5 में से 1.5 स्टार्स रेटिंग। बहुत ही यार दुखी दिल के साथ 1.5 स्टार्स रेटिंग दी है। आइए इसका कारण जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी टाइमलाइन के बारे में। तो भाई स्टोरी टाइमलाइन आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ना तो भाई भूल भुलैया 1 के साथ कनेक्टेड है, ना भूल भुलैया 2 के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स बड़े लोगों को यह कंफ्यूजन थी, क्योंकि इसमें आपको कई स्टार्स भूल भुलैया 2 वाले नजर आ रहे थे और कई स्टार्स आपको यार भूल भुलैया 1 वाले आपको नजर आए थे। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा, आपको विद्या बालन एज ए ओजी मंजूरिका फिर से नजर आ रही थी, एक बार फिर से राजपाल यादव नजर आ रहे थे, संजय मिश्रा नजर आ रहे थे। लेकिन यार इन सभी कैरेक्टर्स का भूल भुलैया 1 ना ही 2 के साथ कोई कनेक्शन है। तो भाई इसमें आपको एक यूनिक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। तो मुझे तो लगता है यार कहीं ना कहीं मतलब अक्षय कुमार की जैसे हाउसफुल फ्रेंचाइज चल रही है, जहां पर हाउसफुल के जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे हैं वो भाई हर बार एक यूनिक स्टोरी लेकर आते हैं। तो भाई वैसे ही भूल भुलैया क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें भाई मुझे लगता है ये मूवी पूरी तरह से भाई फेलियर साबित हुई है। आइए इसका कारण जानते हैं। तो भाई स्टोरी टाइमलाइन शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं फर्जी रू बाबा, यानी कि आप जानते हैं कार्तिक आर्यन जो कि रू बाबा के रूप में नजर आए हैं, जो कि भाई भूत भगाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं, लेकिन यार फर्जी भूत। अब इसके बाद यार अचानक से उनके पास एक दिन मीरा आती है, यानी कि तृप्ति दिमरी, जो कि भाई उसे एक भूतिया हवेली में लेकर जाती है, जहां पर उसे भाई मंजुलिका का भूत भगाना है और लोगों का भाई वहम निकालना है। लेकिन यार यहाँ पर हम देखते हैं अचानक से एक दिन विद्या बालन की एंट्री होती है और माधुरी दीक्षित भी भाई बाद में एंट्री लेती है। अब यार यहाँ पर यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि रियल ओजी मंजुलिका है कौन है इन दोनों में से। अब भाई बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया और लास्ट के हाफ आवर में भाई ये सारा कंफ्यूजन दूर होगा। लेकिन यार 2 घंटे 38 मिनट की मूवी, और भाई आप मानेंगे नहीं, सिर्फ लास्ट का अगर हाफ आवर छोड़ दें तो भाई 2 घंटे आपको भाई सिर पे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। ऐसी मूवी बनाई गई है जिसका भाई कोई सेंस नहीं बनता, वैसी कॉमेडी दिखाई जाएगी आपको, जिसका भाई स्क्रीन प्ले इतना कमजोर नजर आएगा, भाई आपको जबरदस्ती की एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, ओवर एक्टिंग हो रही है भाई सभी एक्टर्स की। कार्तिक आर्यन नहीं भाई, मैंने सोचा था भी इतनी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, कार्तिक आर्यन इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं भाई, अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। आप भाई अपनी एक्टिंग कर लो, वो ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। यार कार्तिक आर्यन ने बहुत ही जगह अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश की है भूल भुलैया 1 से, जो कि भाई मुझे लगता है बहुत ही गलत है। अगर आप अपनी रियल एक्टिंग करेंगे तो भाई वो ज्यादा रियल लगती है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई इससे अच्छा आप अक्षय कुमार को ही ले आइए ना, अगर आपको अक्षय कुमार का फ्लेवर इस मूवी में डालना है, तो भाई वो इन्होंने किया नहीं है। इसके बाद अगर बात करें यार विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, तो भाई उनका यूज इनको करना नहीं आया, वो भी इतना अच्छा एक्टिंग करती है भाई विद्या बालन, लेकिन उसका बिल्कुल यूज नहीं करना आया। उसके बाद जो हम बोल रहे थे आमीजे तुम्हार सॉन्ग की अगर बात करें, जहां पर यार माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का भाई डांस ऑफ दिखाया गया है, डांस फेस ऑफ, तो भाई वो भी बिल्कुल इन्होंने कंप्लीट वेस्ट किया है, जहां पर भाई बिल्कुल मजा नहीं आया, कोई सॉन्ग में मजा नहीं आया भाई। सॉन्ग्स जो बाहर आपको बहुत बढ़िया लग रहे थे वो मूवी में आपको बिल्कुल बेसलेस लगेंगे, कंटेंट में बिल्कुल दम नहीं नजर आता। भाई मैंने आपको पहले ही बोला था अगर कंटेंट में मूवी में दम होगा तो मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन करेगी। तो भाई फर्स्ट डे तो कलेक्शन बहुत बढ़िया हो गया है 36 करोड़ का, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूवी यार ज्यादा देर टिकने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, और 150 करोड़ से भी ऊपर का कलेक्शन होगा इस मूवी का। क्योंकि भाई आपको जो ऑनलाइन रिव्यूज मिलेंगे वहां पर आपको 2 तरह के रिव्यूज मिलेंगे, एक तो यार मूवी की बहुत ही बड़ी प्रेज कर रहे हैं, और सेकंड टाइप के जो लोग हैं वो भाई आपको सही रिव्यू करते हुए नजर आएंगे। तो भाई जो बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं वो तो आप मान के चलिए पेड रिव्यूज हो रहे हैं, क्योंकि भाई इतना पैसा लगाया है मूवी ने तो भाई पेड रिव्यूज तो कराने पड़ते हैं, तो भाई उन्होंने पेड रिव्यूज करवाए हैं। तो भाई अब आप जब एक्चुअल मूवी देखेंगे तो आपको रियल इसका मीनिंग पता लग जाएगा। और लास्ट में यार एक बहुत अच्छा मैसेज इनका देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको भी वेस्ट कर दिया गया। अब भाई उसको सही तरीके से यूज करते तो पता लगता। तो भाई ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो बॉलीवुड ने एक बार फिर से भाई लेट डाउन किया है।
अगर वो भाई किसी साउथ के साथ कलेबोरेशन कर ले तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साउथ के डायरेक्टर इससे बहुत ही बढ़िया अच्छी मूवी बनाते हैं, डायरेक्शन अच्छी होती है भाई, उनके सॉन्ग्स अच्छे होते हैं, उनकी राइटिंग अच्छी होती है, जो सबसे बड़ी बात है भाई किसी भी मूवी के लिए। इस मूवी में इतने फालतू के एक्टर्स लिए गए हैं जिसकी भाई कोई सेंस नहीं बनती। कार्तिक आर्यन का तो आपको बता ही दिया, तृप्ति दिमरी को भाई वेस्ट किया है इन्होंने, तृप्ति दिमरी को भाई ग्लैमर के लिए यूज कर रहे हैं हर मूवी वाले। अब भाई जब से एनिमल आई है उसके बाद उनको सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज किया जा रहा है और प्रमोशन के लिए यूज किया जा रहा है मूवीज के लिए। तो अब भाई उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा वरना भाई मूवीज फ्लॉप होती जाएंगी। इसके बाद अगर बात करें भाई संजय मिश्रा की, राजपाल यादव कंप्लीट वेस्ट किया उनको। छोटे मियां की बात करें भाई, कॉमेडी में इतने बढ़िया है ये सभी एक्टर्स, लेकिन इन सभी को वेस्ट कर दिया गया मूवी में डालकर। तो भाई ओवरऑल मैं बोलूंगा मूवी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है, आपको इसे नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए इस मूवी को रेटिंग दी है 5 में से 1.5 स्टार्स रेटिंग। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।